हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ महिंद्रा की अपकमिंग एसयूवी के बारे में। अपनी देश की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी एक और एसयूवी लाने वाला है जल्द ही, एक्सयूवी 3XO की नाम से। और कुछ ही दिनों पहले इसका टीजर लॉन्च किया गया है। असल में ये एक्सयूवी 300 की फेसलिफ्ट है। 29 अप्रैल 2024 को इसका डेब्यू होने वाला है और अगले महीने ये लॉन्च भी हो सकता है। टीजर से पता चलता है ये गाड़ी इंस्पायर्ड है, इस गाड़ी का डिजाइन इंस्पायर्ड है महिंद्रा की बीई लाइनअप से, जिसमें बीई 0507 ये सब गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल है। मतलब डिजाइन लिया गया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। एक्सयूवी 3XO में आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा, उसी के साथ कुछ नए फीचर्स भी ऐड किया गया है इस गाड़ी में। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस गाड़ी में पैनारोमिक सनरूफ दिया जाएगा, जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में अभी तक नहीं दिया गया है। प्राइसिंग इस गाड़ी का 9 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में हो सकता है। तीन तरह के इंजन ऑप्शन मिलेगा आपको इस गाड़ी में। पहला है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो लगभग 108.62 BHP और 200 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा। दूसरा है 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन, जो लगभग 128.73 BHP और 230 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा। और तीसरा है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो लगभग 115 BHP और 300 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा आपको इस गाड़ी में। लॉन्च होने का कुछ ही टाइम बाद एक्सयूवी 3XO का एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने वाला है। एक्सटीरियर में इस गाड़ी में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाला है, LED DRLs मिलने वाला है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल VRBM विथ इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, रियर वॉशर, रियर डिफॉगर, सी शेप्ड LED कनेक्टेड टेल लैम्प मिलने वाला है आपको इस गाड़ी में, रूफ माउंटेड स्टॉप लैम्प, और इसके अलावा 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील भी मिलने वाला है इस गाड़ी में। इंटीरियर में डुअल टोन डैशबोर्ड, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलने वाला है, वो भी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल ड्राइविंग मोड, टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है इस गाड़ी में, वायरलेस फोन चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर एसिवेंट्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाला है आपको इस गाड़ी में। इसके रियर सीट फोल्डेबल है 60:40 में और रियर आर्मरेस्ट भी मिलने वाला है इस गाड़ी में। सेफ्टी तो महिंद्रा की पहले से ही अच्छा है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स, 4 व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, हाई बीम असिस्ट, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा विथ फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे सेफ्टी फीचर सबको मिलने वाला है। इतने सारे कि भाई थक जाओगे गिनते गिनते। इसके अलावा बहुत चांसेस है इस गाड़ी में एडास जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलने का। लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन देने वाला है किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसी गाड़ियों को। तो फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है इस गाड़ी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।